आएंगे, हमारे हाथ में जिम्मेदारी है, वी हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो ऐसा, तो फिर अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपको छोड़ देना चाहिए पत्रकारिता के नाम पर, आप धब्बे हो। तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहते हैं कि अगर आप उनकी कमियां दिखा रहे हैं तो उनकी अच्छाइयां भी दिखाइए। अच्छाइयां क्यों दिखाए पत्रकार? पत्रकार तो परमानेंट विपक्ष है। जो एसी और कमरों में बैठ करके जिनको ऊपर से लिखा हुआ मिल जाता है कि बोल दीजिए सरकार ने अच्छे काम किए, तो वो तो कर ही रहे हैं, ऐसा दे रही है आपके, तो दिक्कत क्या है भैया? तब का ही बुराई कर रहे हो। तब वो इंसान बताता है खाते में पैसा तो दे रही लेकिन महंगाई करे दे रही है। तो महंगाई इस मुद्दा, जो पत्रकारिता जो कि चौथा स्तंभ माना जाता है, उस स्तंभ की जिम्मेदारी आज के डेट में डिजिटल मीडिया निभा रही है, ना कि मेन स्ट्रीम मीडिया में निभा रही है, जो कि टीवी चैनल्स वाले लोग डिजिटल मीडिया है। और थोड़ा सा एसी का मेंटेनेंस भी तो ज्यादा लगता है। ऑब्वियसली इतना फाइव स्टार ऑफिस होता है उनका, लाइट का खर्चा, हम आप तो घर का खर्चा ज्यादा आ जाता है, बिजली का तो सोचो। आप देख सकती हैं सी माइक अल्टरनेट। नमस्कार, मैं हूं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। इस वक्त हम लोग गोरखपुर में मौजूद हैं। गोरखपुर का जब भी नाम लिया जाता है हम लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री का शहर है, मुख्यमंत्री का शहर घूमने आई है। इस वक्त पर्चे करवाऊंगा तो एक औपचारिकता के लिए करवा देता हूं, हालांकि किसी भी पर्चे की मोहताज नहीं है। प्रज्ञा मिश्रा जी मेरे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका गोरखपुर में, क्योंकि गोरखपुर मेरा होम टाउन भी है। मैम कैसा लगा आपको गोरखपुर में आके? मुझे बहुत बढ़िया लगा, और गोरखपुर में चुनाव की नब्ज़ टटोलने के लिए आई हूँ और टटोल कर जाऊँगी। अभी तो आपसे मेरी बात भी हुई गोरखपुर के विकास को लेकर के। अभी तक का अनुभव कैसा रहा, क्या क्या मतलब दिखा आपको? अभी ही आई हूँ मैं, तो आई नेवर जज बुक बाय इट्स कवर, तो आई ऑलवेज प्रेफर राइट। कब तक का मतलब कि अभी हूँ मैं, दो तीन दिन तो यहाँ पर। मैम एक पत्रकारों को एक तमगा लग जाता है जब भी हम पत्रकारिता करते हैं, कि एक बहुत बड़ा तमगा लग जाता है कि एक किसी पर्टिकुलर पत्रकार का काम है परमानेंट विपक्ष, सत्ता से सवाल करना। जब हम सत्ता से सवाल करने जाते हैं और फिर जो सत्ता के समर्थक लोग हैं कमेंट बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें सुनाते हैं, उस चीज़ को आप, चूंकि मैं आपका कमेंट बॉक्स पढ़ता हूँ देखता हूँ, तो कैसे टैकल करती हैं? अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कैसे उसको हैंडल अच्छा, करती हैं? मैं पहली बात तो पढ़ नहीं पाती हूँ जो मुझसे पर्सनली, जैसे आप मुझसे व्यक्तिगत तौर पर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो मैं ज़्यादा जानती हूँ, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया सेल, आजकल कोई कुछ बन करके एक दौर मैम रहा होगा जब आप पढ़ती रही होंगी। हाँ हाँ ज़रूर पढ़ती रही होंगी मैं, लेकिन एक बात यह है कि ये बात सच है कि मीडिया जो है दो तरह की हो गई, एक सच दिखाने वाली, एक सच छुपाने वाली। तो जो सच दिखाने वाली मीडिया है उस पर हमेशा अगर आप सही रास्ते पर जाओगे तो आपको दबाने की, पीछे करने की कोशिश की जाएगी, नहीं बटो आटो हम ही सच है, क्योंकि सरकार है उसके पास पावर है, नेशनल मीडिया हर तरह का उसके पास पावर है, पैसा है। तो भाई जब सरकार है और आप उनसे ही सवाल करेंगे, आप अपनी पत्रकारिता करेंगे, तो जाहिर सी बात है जो उनके सपोर्टर्स होंगे उनको आप पसंद नहीं आएंगे, तो आपको कहेंगे, तो वो अपनी नौकरी मतलब वो अपना काम करते हैं, उनका काम ही यही है, 10 रुपये 20 रुपये उनको पर कमेंट पर ट्वीट पैसे मिल जाते हैं, 1-2 रुपये आई डोंट नो अबाउट दैट। मैम एक, चूंकि हाँ, आपके पास समय भी नहीं है, एक आखिरी सवाल और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, बहुत सारे ऐसे पत्रकार जो कि अभी शुरुआत की उनके लिए है। मैम एक होता है कि एक, जैसे कि आप पत्रकारिता कर रही हैं और नो डाउट आज के टाइम में आप सोशल मीडिया सेंसेशन हैं, पत्रकारिता को लेकर हम लोग जब भी, जैसे हम जैसे नए जो पत्रकार हैं, एक माहौल क्रिएट होता है कि जैसे कि पत्रकारिता की परिभाषा तय की जाती है, लोग कहते हैं कि पत्रकारिता ऐसे करो वैसे करो, जैसे सत्ता को लेकर मैं एक सवाल को, पत्रकारिता जैसे लोग कहते हैं कि अगर आप, जैसे यूपी में भाजपा सरकार है, लोग कहते हैं कि अगर आप उनकी कमियां दिखा रहे हैं तो उनकी अच्छाइयां भी दिखाइए। अच्छाइयां क्यों दिखाए पत्रकार? पत्रकार तो परमानेंट विपक्ष है। नहीं देखिए, पत्रकारों को, बड़े बड़े चैनलों को, फॉर एग्जांपल इतने सारे चैनल्स हैं, उनको सरकार की तरफ से लाखों करोड़ों रुपए के एडवर्टीजमेंट मिलते हैं अच्छाई दिखाने के लिए। सच्चाई तो हम दिखाएंगे ना, हम जैसे लोग ज़मीन पर रहते थे, जो एसी और कमरों में बैठ करके जिनको ऊपर से लिखा हुआ मिल जाता है कि बोल दीजिए सरकार ने अच्छे काम किए, तो वो तो कर ही रहे हैं। अब हम आप जैसे लोग अगर सड़क पे आकर के गरीब मजलूमों की आवाज़ नहीं उठाएंगे, जैसे ये ठेला वाला है मेरे पीछे, अगर हम इसकी आवाज़ नहीं उठाएंगे कि भाई इसके खाते में सरकार पैसा दे रही है कि नहीं दे रही है, इसके धान और इसके गेहूँ कहीं, इसकी खेती, इसकी फसल, गाय सांड चरे तो नहीं जा रहे हैं, अगर किसी गरीबों की आवाज़ हम आप नहीं उठाएंगे, हमारे हाथ में जिम्मेदारी है, वी हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो ऐसा, तो फिर अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपको छोड़ देना चाहिए पत्रकारिता के नाम पर, आप धब्बे हो। तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो जिम्मेदारी हमें मिली है, जो जिम्मेदारी हमने अपनी खुद की मर्जी से उठाई है, जबरन नहीं उठाई है, तो हम उसका निर्वहन करें। हमारा काम है निष्पक्षता से, एक ये भी बात है, निष्पक्षता से अगर सरकार ठीक काम करी, जैसे मैं जब भी फील्ड पर जाती हूँ, आपने देखा होगा, मैं लोगों को ये जरूर बताती हूँ सरकार खाते में पैसा दे रही है आपके, तो दिक्कत क्या है भैया? तब का ही बुराई कर रहे हो।
तब वो इंसान बताता है खाते में पैसा तो दे रही लेकिन महंगाई करे दे रही है। तो महंगाई इज मुद्दा पर सरकार, तो निष्पक्ष होकर के पत्रकारिता करनी चाहिए, ये ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। लेकिन आजकल के समय में छुपाने वाले और दिखाने वाले पत्रकार हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया का आखिरी सवाल मैम, मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं या फिर डिजिटल मीडिया के जो पत्रकार हैं, क्या जो पत्रकारिता जो कि चौथा स्तंभ माना जाता है, उस स्तंभ की जिम्मेदारी आज के डेट में डिजिटल मीडिया निभा रही है ना कि मेन स्ट्रीम मीडिया में निभा रही है जो कि टीवी चैनल्स वाले लोग? डिजिटल मीडिया पर किसी तरीके का प्रेशर नहीं है ना, उनको वो जो करें खुद के बल पर करें, खुद के दम पर करें। आज तो इतने बड़े बड़े पत्रकार हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, आप तो सब जानते होंगे, मुझसे बहुत बड़े बड़े उम्र में है, न्यूज़ चैनल्स छोड़ छोड़ करके इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर रहे हैं। तो आजकल डिजिटल मीडिया के पास बहुत ताकत है, बहुत ज़्यादा ताकत है। नेशनल मीडिया के ऊपर प्रेशर है, उनको लोगों को सैलरी देनी है, कितने लोगों का घर परिवार पालना है, तो उनके अपने प्रेशर है, हमारे आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। और थोड़ा सा एसी का मेंटेनेंस भी तो ज़्यादा लगता है। ऑब्वियसली इतना फाइव स्टार ऑफिस होता है उनका, लाइट का खर्चा, हम आप तो घर का खर्चा ज्यादा आ जाता है, बिजली का तो सोच। आप देख सकती हैं सी माइक अल्टरनेट माइक सब कुछ ऐसा ही बात है, जुगाड़ हम लोग को करना पड़ता है, जुगाड़ कर करके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच, और थैंक यू गोरखपुर में आने के लिए, और आई होप कि आपको यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत बढ़िया, तो ये आइट भारत टीवी मिल गया भाई साहब, बहुत बढ़िया जो है विकास गोस्वामी जी, तो हम विकास ही ढूंढने आए थे और मिल गए हमें विकास जी, तो इनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, बढ़िया काम कर रहे हैं, और ऐसे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को आप सपोर्ट करें ताकि ये लोग आगे बढ़ें और आप लोगों की आवाज़ उठाएं। इन्हें सपोर्ट करेंगे तो हम सबको बल मिलेगा। थैंक यू सो मच मैम। तो आप थी प्रज्ञा मिश्रा जी, बाकी कैमरे के उस पार से बड़ी शिद्दत से मेरा सहयोग कर रहे हैं अश्वनी वर्मा, मैं विकास गोस्वामी, और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। धन्यवाद।